अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवीन न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। स्पीड फायर सर्विस, हर किसी की सुरक्षा के लिए, दवाखाना हो या मॉल या अति महत्व की चीजों की सुरक्षा के लिए स्पीड फायर सर्विस तत्पर सेवा में। पता पुराना पेड़गांव रोड, पाटिल हॉस्पिटल, इनायत नगर, परभनी। मोबाइल नंबर 9766307101 या 9860104058। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले और भारत के शहीद आजादी के शूरवीर टीपू सुल्तान, इनके बारे में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने वाले देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग का निवेदन महाराष्ट्र मुस्लिम युवक प्रतिष्ठान ने पाथरी तहसीलदार द्वारा जिले के कलेक्टर से और मुख्यमंत्री को दिए गए निवेदन में कहा है। इस निवेदन पर अहमद अंसारी, अजहर शेख इफ्तिखार बेलदार, अयूब खान, रईस कुरैशी, अल्ताफ अंसारी, इमरान अंसारी, मोहम्मद मोहित अंसारी, शेख जफर आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. खदरौत प्लॉट पर मौलाना के हाथों गट्टू रास्ते का उद्घाटन संपन्न। परवनी शहर के प्रभाग क्रमांक 14 में रास्ते के गट्टू के काम का काम जारी है। आज तारीख 28 जनवरी 2022 शुक्रवार के रोज गट्टू रास्ते के काम का उद्घाटन गुजरात स्थित मौलाना सैयद शरफुद्दीन नईमी खादरिया चिश्तिया इनके हाथों किया गया। इस समय प्रभाग के नगर सेवक शेख अहमद भाई, अखिल काजी, नदीम जलालुद्दीन काजी, लोकश्रेय मित्र मंडल के सदस्य अब्दुल जब्बार बेलदार, शेख अशफाक, वसीम खान इनकी उपस्थिति रही। जनता के हित में काम होने से यहाँ के नगर सेवकों पर वार्ड के नागरिक समाधान व्यक्त कर रहे हैं। परवनी शहर के वड़ गली में रहे संत कंवर राम सेवा मंडल इस झूलेलाल मंदिर के तीसरे मंजिले पर आग लगने की घटना 28 जनवरी 2022 शुक्रवार के रोज दोपहर 4:30 बजे के दरमियान हुई। इस आग में किसी प्रकार की जान हानि नहीं हुई है, लेकिन तीसरे मंजिले पर रखे हुए सामान जलकर खाक हुआ है। गुड़ गली में झूलेलाल मंदिर है। तारीख 28 जनवरी 2022 शुक्रवार के रोज मंदिर में धार्मिक प्रोग्राम शुरू था। दोपहर 4:30 बजे के दरमियान मंदिर के तीसरे मंजिले से धुआं निकलता हुआ आसपास के नागरिकों को दिखाई दिया। उन नागरिकों ने मंदिर की ओर दौड़ते हुए मंदिर में हाजिर सभी भक्तों को बाहर निकाला। सुनील खैरा जानी, इन्होंने दमकल विभाग को जानकारी दी। दमकल विभाग के दीपक कानोड़े, मदन जादव, रोहित गायकवाड़, ईसू राठौड़, वसीम अहमद खान, इन्होंने घटनास्थल पहुंचकर आग को काबू में किया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की प्राथमिक अंदाज बताया जा रहा है। तीसरे मंजिले पर गादी, पर्दे, चटाई, बर्तन रखे हुए थे, यही सभी सामग्री जलकर खाक हो गई है। आग की जानकारी मिलते ही विक्की नारवानी, सतीश नारवानी, दिलीप माटरा, सुनील खैराजानी और समाज के अन्य प्रतिष्ठित नागरिक मंदिर की ओर दौड़े। खुशकिस्मत यह है कि इस आग में जान हानि नहीं हुई है, लेकिन सामान का बड़ा नुकसान हुआ है। गंगाखेड़ शहर के परली गेट के करीब गन्नों से भरा हो दो ट्रॉली वाला ट्रैक्टर गन्नों के शुगर फैक्ट्रियों में ले जा रहे हैं, लेकिन इन दो ट्रॉली वाले क्षमता से ज्यादा गन्ना बिठाने से ट्रैक्टर चढ़ाया या टर्न की जगह पर अपना काबू खत्म करने से ट्रैक्टर के सामने वाले दोनों पहिए जमीन से ऊपर उठ जाते हैं। इसी के चलते ट्रैक्टर दुर्घटना का सबब बन रहे हैं। कुछ दिन पहले सोनपेट में ऐसी ही ट्रॉली पलटने से एक महिला और एक बच्ची को मौत होने की घटना हुई थी। उसी के अलावा परभनी के रेलवे स्टेशन के करीब कुंज बिहारी होटल के सामने दो ट्रॉली वाले ट्रैक्टर को पलटी खा जाने से रास्ते के बाजू लगे हुए टू व्हीलर ट्रॉली के नीचे आकर पूरी तरह से खराब हो चुके थे। ऐसी इन मामलों को देखते हुए इन दो ट्रॉली वाले ट्रैक्टरों पर ARTO और ट्रैफिक पुलिस ध्यान दे, ऐसी बात कही जा रही है। 15 किलो चंदन के साथ 3 LCB के हिरासत में। SP जयंत मीना इनके विशेष पथक ने तारीख 27 जनवरी 2022 गुरुवार के रात ग्राम पुलिस थाने के हाथ में पानेरा शिवार में कार्रवाई करते हुए 91,000 रुपयों की कीमत की मुद्देमाल साथ 15 किलो चंदन के साथ 3 लोगों को हिरासत में लिया है। SP जयंत मीना इनका विशेष पथक अवैध धंधों की जानकारी हेतु गश्त करते समय जानकारी मिले के ग्राम पुलिस थाने के हाथ में चंदन की तस्करी हो रही है। उसी के तहत SP जयंत मीना और एडिशनल SP मुमक्का सुदर्शन इनके आदेश पर PSI विश्वास खोले इनके मार्गदर्शन पर पुलिस कर्मी अजहर पटेल, अरुण कांबड़े, सैयद जाकिर, सुनील राठौड़, सैयद उमर, रामकिशन काले, दीपक राठौड़ इनके पथक ने जाल बिछाकर आसिफ खान, अब्बास खान पठान, आसिफ खान, रशीद खान पठान, शरीफ खान, यूसुफ खान पठान, तीनों रहने वाले जालना जिले स्थित भोकरदन तहसील के काटोरा बाजार के रहने वाले इन्हें हिरासत में लेते हुए इनके पास से 15 किलो चंदन प्राप्त हुआ। पुलिस ने अपराधियों के पास से 91,000 रुपये का मुद्देमाल जब्त करते हुए 3 अपराधियों को हिरासत में लेते हुए उनके खिलाफ ग्राम पुलिस थाने के में अपराध दाखिल किया गया है। आगे की जांच जमादार कदम कर रहे हैं।
भारत देश के पहले योद्धा के रूप में अंग्रेजों से लड़ने वाले हजरत शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल कर जातीयता में द्वेष भावनाओं को प्रसार करने वाले देवेंद्र फडणवीस पर कार्रवाई कर अपराधी दाखिल करने की मांग की गई है। ऐसे मांग का निवेदन शेर सुल्तान बॉयज महाराष्ट्र सेवा भावी संस्थान के जिला कलेक्टर द्वारा मुख्यमंत्री से की गई है। इस निवेदन पर संस्थापक अध्यक्ष शेख रहीम, शेख अजहर, शेख अयान, अरबाज खान, शेख जुनेद, शेख रेहान आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। आज हम यहाँ पर हजरत टीपू सुल्तान के खिलाफ जो कल देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट किया था उसके निषेधार्थ माननीय जिलाधिकारी के हस्ते माननीय मुख्यमंत्री इनको निवेदन देने के लिए आए हैं। आज शेर सुल्तान बॉयज़ की तरफ से यहाँ पर हमने निवेदन दिया है। हजरत टीपू सुल्तान ये सिर्फ मुसलमानों के हित में हमेशा काम नहीं करते थे, वो हमेशा धर्मनिरपेक्ष रहकर काम करते थे। उन्होंने 156 मंदिरों को निधि दिया था। इसी तरह अंग्रेज़ों के खिलाफ वो पहले सबसे पहले लड़ाकू थे, उन्होंने ही अंग्रेज़ों के खिलाफ ये युद्ध छेड़ा था। इसके बाद ऐसे महान राजा के खिलाफ देवेंद्र फडणवीस जी ने अपशब्द कहा और क्रीड़ा संकुल है उसको नाम देने से रद्द किया, इसका हम जाहिर निषेध करते हैं। परभणी महानगर पालिका कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पर लिए हुए स्वास्थ्य कर्मचारियों के रुके हुए मानधन मिलने के लिए जिला कलेक्टर को दिया निवेदन। आज तारीख 28 जनवरी 2022 शुक्रवार के रोज परभणी कलेक्टर इन्हें मनपा स्वास्थ्य विभाग के कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पर डाटा ऑपरेटिंग कर्मचारियों के रुके हुए वेतन दिया जाए, ऐसी मांग निवेदन द्वारा की गई है। मनपा स्वास्थ्य डाटा ऑपरेटर इनकी तनख्वाह अक्टूबर 2021 से नहीं दी गई है। कोविड महामारी के इस विपदा से ज्यादा काम ऑपरेटरों ने अपनी जान जोखिम में डालकर करते हुए, लेकिन तनख्वाह समय पर नहीं दी जा रही है, परंतु रुकी हुई तनख्वाह दी जाए। लेबर एक्ट के तहत 8 घंटे से ज्यादा काम ना ले, हफ्ते के दिन एक दिन की छुट्टी साप्ताहिक छुट्टी दी जाए, इस तरह के मांग का निवेदन आज करते हुए तनख्वाह दी जाए ऐसी मांग भी इसमें निवेदन द्वारा की गई है। इस निवेदन पर मनपा स्वास्थ्य विभाग के डाटा ऑपरेटरों के हस्ताक्षर मौजूद है। नगर पालिकेमध्ये आरोग्य विभागामध्ये लसीकरणाचं काम करतो आणि गेल्या 4-5 महिन्यापासून आम्ही आमचं पेमेंट थकलेलं आहे आणि त्यासाठी आम्ही जिल्हाधिकारी मॅडमला निवेदन दिले की आमचे पेमेंट लवकरात लवकर करावे आणि आम्हाला रविवारची तरी सुट्टी द्यावी, त्यासाठी आम्ही निवेदन दिलेलं आहे सर्व डिओच्या मार्फत। आल्यास आम्ही कामबंद आंदोलन करणार आहोत। मी जयकुमार नवराव काळे, आमची महात्मा फुले मल्टी सर्व्हिसेस आणि ॲक्युरेक्स मॅनपॉवर सर्व्हिसेस पुरवणाऱ्या कंपन्या आहेत। त्यापैकी ॲक्युरेक्स सर्व्हिसेस कंपनीकडे परभणीच्या महापालिकेला आम्ही मनुष्यबळ पुरवठा केलेला आहे। व्हॅक्सिनेशनच्या कामासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनेवरून कमिशनर साहेबांनी तिथे माणसं घेतली आमच्या कंपनीकडनं, परंतु हे काम चालू असताना त्यांच्याकडे बजेटची फार वानवा आहे आणि बजेट वेळेत मिळत नसल्यामुळे कर्मचाऱ्यांची खूप गोची होते। जवळपास 4 महिन्यापासून महापालिकेकडे आमची बिलं थकीत आहेत, पेमेंट मिळालेलं नाही आहे, म्हणून ते कर्मचारी अतिशय वैतागलेले आहेत आणि त्याचाच एक भाग म्हणून ते वेळोवेळी अधिकाऱ्यांना भेटतात। महापालिकेच्या अधिकाऱ्याचं म्हणणं पडतं बजेट नाही आहे, काही अधिकारी सांगतात तुमच्या अकाउंटला पैसे पाठवलेत आणि त्याच्यामुळं कर्मचाऱ्यांचा रोष वाढतो। साहजिकच आहे, कर्मचारी अतिशय गरीब हलाकीच्या परिस्थितीमधले आहेत, त्यांचा पगारसुद्धा अतिशय कमी असतो आणि तोही वेळेवर नाही मिळाला तर मग त्यांना राग येणं किंवा त्यांची परेशानी होणं साहजिकच आहे। त्या भावनेतून आज ते कर्मचारी आमच्याकडे आले होते। जवळपास आम्ही महापालिकेला 100 कर्मचारी दिलेले आहेत व्हॅक्सिनेशनच्या कामासाठी। व्हॅक्सिनेशनचं काम हे रात्रंदिवस म्हणल्यापेक्षा सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत चालतं, त्याच्यात खंड पडू देता कामा नये, त्याच्यामुळे आम्ही सेवा त्यांना अखंडित पुरवत आहोत।
31 जनवरी 2022 सोमवार से 8वीं तक के स्कूलों को शुरू करने के आदेश दिए हैं। कोरोना विषाणु के बढ़ते महामारी के पार्श्वभूमि पर जिला महसूल प्रशासन ने कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के स्कूलों को बंद रखने के आदेश जारी किए थे, परंतु जिला कलेक्टर श्रीमती आंचल सूद गोयल इन्होंने तारीख 28 जनवरी 2022 शुक्रवार को इस संदर्भ में नए आदेश जारी किए हैं। उसी आदेश के तहत 31 जनवरी 2022 सोमवार से कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के स्कूलों को और निवासी स्कूलों को शुरू करने के लिए इजाजत दी गई है। कोरोना के सभी नियमों की सख्ती के साथ पालन कर स्कूल शुरू करते हुए स्वास्थ्य, स्वच्छता और अन्य सुरक्षा के विषय में उपाय योजना के बारे में प्रस्तुत परिपत्रक के परिशिष्ट और परिशिष्ट ब के मार्गदर्शन सूचना का सख्ती से पालन करते हुए तारीख 31 जनवरी 2022 सोमवार से जिले के निवासी स्कूल और कक्षा 1 से लेकर 8वीं के तक के सभी स्कूलें शुरू करने की इजाजत दी गई है। उसमें टिप दी गई है कि कोविड-19 के लक्षण यानी कि बुखार खांसी आने वाले छात्राओं को पालकों ने स्कूल में नहीं भेजे, ऐसा कहा गया है। हमारा न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रही है, इस पर जरूर कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें और इसके ऊपर जितना हो सके उतने कमेंट्स करके हमें बताएं कि आपको ये न्यूज किस तरह पसंद आ रही है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।